चलिए अब खबर रायपुर से है, जहां डोमिनोज पिज्जा में खाद्य विभाग का छापा पड़ा। छापा पड़ने के बाद जो खुलासे हुए उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल एक ही जगह पर वेज और नॉनवेज की सामग्री मिल रही थी। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े ब्रांड्स में हम इसलिए जाते हैं कि हम सुनिश्चित रहे, बेफिक्र रहे, लेकिन अगर वहां पर ही बड़ी लापरवाही होगी तो कई सवाल खड़े हो जाएंगे। खाद्य विभाग के डिप्टी कमिश्नर का बयान भी सामने आया। खाद्य विभाग के सर्वे पर शिकायत सही पाई गई, उन्होंने ये बात कही। वेज और नॉनवेज दोनों एक ही जगह से परोसे जा रहे थे। वेजिटेरियंस के लिए यहां पर थोड़ा सा चिंता का विषय यह बन गया है। एक ही ओवन में वेज और नॉनवेज सेका जा रहा था। नोटिस जारी कर 4 दिन में जवाब मांगा गया है। कल वेज पिज्जा ऑर्डर की जगह भेजा था नॉनवेज पिज्जा। पर्व चल रहा है और ऐसे में वेज नॉनवेज को लेकर लगातार शिकायतें आ रही है कि वेज मंगाने पर नॉनवेज मिल रहा है। आज जो है खाद्य विभाग की टीम जो है डोमिनोज पहुंची है। क्या कुछ मिला छापे में, बातचीत करते हैं। आज आप लोग पूरा सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, क्या कुछ मिला यहाँ पे? देखिए, हम इनका ना जो वेज और नॉनवेज स्टोर करने वाली जो जगह है जहाँ से वेज प्रिपेयर किया जाता है पिज्जा, उन सबों का देखे हैं। वो एक साथ करीब करीब सारे जो रेक रखे हुए एक साथ रखे हुए हैं वो बिल्कुल भी स्वीकार योग्य नहीं है। हम तत्काल इनके लिए खिलाफ कार्रवाई पुटअप कर रहे हैं। उनको बताया गया है कि आप इसको 3 दिन के भीतर इम्प्रूव करें। जो घटना हो गई उसके लिए तो हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हम बता रहे हैं कि नहीं भाई, आप पार्टीशन करके वेज वाला पोर्शन अलग करिए, नॉन वेज वाला पोर्शन करिए। इनके स्टाफ खुद बता रहे हैं कि कल जो पिज्ज़ा जो जिस सेक्शन में वेज का पिज्ज़ा बनता था वो हीटिंग नहीं हो रहा था करके वो बंद था। उस तो नॉन वेज वाले पिज्ज़ा में वेज वाले पिज्ज़े बनाए गए हैं नॉन वेज वाले हीटर में, तो हम इनके खिलाफ कड़े एक्शन ले रहे हैं, बिल्कुल धाराओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जी। क्या कुछ और मिला? सर वही है, क्रॉस कंटामिनेशन का है। वो हमारे फूड एंड सेफ्टी एक्ट में वो स्पष्ट लिखा हुआ है कि नॉनवेज और वेज को अलग पोर्शन में बनाना है, किचन अलग रहेगा और रखरखाव भी अलग रखना है। यहाँ पे खाद्य सामग्री का सैंपल लिया गया है, यहाँ पे जो है विधिक नमूना लिया जा रहा है करके, और जैसे हम किसी को लाइसेंस देते हैं तो उस समय स्पष्ट रहता है कि जो लाइसेंस का टर्म एंड कंडीशन है उसको जो भी FBO है उनको फॉलो करना रहता है। तो प्रथम दृष्टया यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वेज और नॉन वेज को एक साथ बनाया जा रहा था करके, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसमें जो भी जो है खाद्य सुरक्षा नियम के तहत जो भी कार्रवाई, जो भी जो है न्याय संगत कार्रवाई है उसको हम जो है करने जा रहे हैं करके। देखिए, यहाँ पे खाद्य विभाग की टीम पहुंची है और जो शिकायत की गई थी वो शिकायत जो है सही पाई गई है और उसके आधार पर अब निम्नानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्या राजपूत, न्यूज 24 रायपुर।